नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। रीवा जिले के नगर पंचायत क्षेत्र सीमा के अंतर्गत मसूरिया पंप हाउस के पास एक रपटे पुल की मांग काफी समय से लोगों द्वारा की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने शासन और प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों का ध्यान कई बार आकृष्ट किया, परंतु आज तक एक पुल नसीब नहीं हुआ, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे पार करना पड़ता है। इस मसूरिया पंप हाउस के पास स्थित नया नदी के उस पार ग्राम लठियार, चाहला, गेदुरहट, नवा पहाड़ी, यादव बस्ती, आदिवासी बस्ती से सैकड़ों लोगों के लिए हनुमना बाजार आने के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं है, जिस कारण सीधा वैकल्पिक एवं कम दूरी का मार्ग चुनकर लोग लकड़ी से पुल बनाकर नया नदी को पार करने के लिए यहां अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। यहां से बिजली विभाग, हॉस्पिटल, तहसील, ब्लॉक एवं छोटे बच्चे अपने स्कूल जाने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। स्थिति देखकर आपको क्षेत्र के विकास का अंदाजा हो जाएगा। समस्या को देखकर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अब 2019 में अपने पैसे से काम चलाओ लकड़ी का पुल बनवा दिया था। मुझे भी जानकारी लगी है कि वहाँ पे जब भारी बारिश हो जाती है तो आना जाना पूरी तरह से बाधित हो जाता है और लकड़ी का पार्ट लगा हुआ है। ये बात सही है कि मुझसे भी ग्रामीणों ने कहा, लेकिन अभी उस पर कोई विशेष पहल नहीं हो पाएगी। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि वो बने। देखिए, हम आज़ादी की बात से लेकर के अभी तक की बात नहीं करते, समय समय पर जो जैसा रहा उसने काम किया अपने तरीके से। जहाँ तक मेरे 5 साल का सवाल है, जहाँ मुझे ज़रूरत समझ में आई या जिस रास्ते से मैं निकला और लोगों ग्रामीणों ने मुझसे कहा, हमने प्रयास किया। कई 2-4 जगह बड़े बड़े ऐसे हैं जहाँ हमने पुलों के निर्माण की बात करी, चाहे दादर पश्चिम की बात हो, वहाँ पर हमने 1.5 करोड़ की पुलिया मंजूर कराई। हमारे क्षेत्र में 2-3 पुलिया ऐसे थे जहाँ 75-75 करोड़ रुपये के गहड़ारी नाला है, गोपला नाला है, उस पर 75-75 लाख रुपए की पुलिया मंजूर हुई। और भी जहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ी तो ग्राम पंचायतों से भी हमने प्रयास किया था। रही बात जहाँ ये आपकी जिसकी बात कर रहे हैं, ये आपके दो ग्राम दुगौली है और इधर हनुमना के आने जाने का बीच का रास्ता है। अब ये है कि रास्ते कई हैं आने जाने के, ये सीधा रास्ता पड़ता है, बीच में नाला पड़ता है। हमें बाद में इसकी जानकारी दी गई तो हमने उस पर प्रयास किया था। फिलहाल तत्कालिक रूप से बांस की पुलिया बन जाए जिससे आवागमन बाधित न हो, इधर से भी लोग आए जाएँ। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर फिर से एक पक्की पुलिया बन जाए। रास्ते समस्या सब ऐसा है कि जाने आने की दिक्कत होता है, समस्या है। पुलिया बन जाए तो ठीक रहेगा, अभी कहाँ पुलिया बन रही है, अभी तो पतन हो रही है आने जाने के लिए। धंधा लोग में हैं, नीचे नदी से आना जाना पड़ता है। शिकायत नहीं किए सर आप लोग के, बहुत दिन से हो गया सर। यहाँ बहुत समस्या है, आने जाने में परेशानी होती है, बरसात में अब भी परेशानी है। क्यों परेशानी होती है? अरे यहाँ गड्ढा है, आने जाने में दिक्कत है, देख रहे हैं ना साहब। कोई पुलिया चलती तो यहाँ नहीं करवाया गया। अभी एक पुल दिखाई दे रही है, ये कैसे पुल? ये तो बांस वांस अपने से लगा करके 10-20 आदमी इकट्ठा होकर के यहाँ से चहला के इकट्ठा हुए, लठियारे के इकट्ठा हुए और वहाँ के गिधड़ के इकट्ठा हो गए। कई बार लिखे हैं भाई, विधायक से बोले हैं 1-2 बार, यही कहते हैं कि अब करवा देंगे इधर उधर। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।